हेलो पेरेंट्स, मेरी चैनल पेरेंटेशन पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में दी गई हर एक जानकारी पहले डॉक्टर रचित दोषी जो कि एक पीडियाट्रिशियन है उनके द्वारा प्रमाणित की गई है। इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी बातें बताऊंगी जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए बेबी के बॉर्न होने से पहले। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली बात, अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो डिलीवरी के 30 मिनट्स के अंदर बेबी को फर्स्ट ब्रेस्ट फीडिंग मिल जाना चाहिए। अगर सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो पहले 4 आवर्स के अंदर बेबी को फर्स्ट ब्रेस्ट फीडिंग मिल जाना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट 24 आवर्स में बेबी का फर्स्ट स्टूल पास हो जाना चाहिए और फर्स्ट 48 आवर्स में बेबी का फर्स्ट यूरिन हो जाना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो आपको इमीडिएटली अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना है। थर्ड पॉइंट इज अबाउट कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम क्या होता है? कोलेस्ट्रॉम वो गाढ़ा पीला कलर का दूध होता है जो मदर की ब्रेस्ट से आता है फॉर द फर्स्ट 2 to 3 days। अब ये जो कोलेस्ट्रॉम है उसमें भर भर के एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं जो बेबी को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देते हैं। अब डिलीवरी के 2 to 3 days तक हर मदर की हालत अलग अलग होती है, तो आप प्लीज कोशिश करें कि जितना हो सके उतना बेबी के पेट में ये कोलेस्ट्रॉम जाए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉम का जो प्रोडक्शन है वो फर्स्ट 2 to 3 days में होता है और फिर उसके बाद नॉर्मल ब्रेस्ट मिल्क, व्हाइट कलर का ब्रेस्ट मिल्क आना शुरू हो जाता है। अब ब्रेस्ट मिल्क में भी बहुत इम्यूनिटी होती है बट कोलेस्ट्रॉम में उससे भी ज्यादा इम्यूनिटी होती है, तो जितना हो सके उतना ज्यादा बेबी को कोलेस्ट्रॉम दीजिए। फोर्थ पॉइंट इज अबाउट फीडिंग। पहले 2 दिन के लिए बेबी को हर 2.5 घंटे पे आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है। कई हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं कि जहां नर्स जो है वो हर 2.5 घंटे पे आ जाती है और आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के लिए कहती है, और कई हॉस्पिटल्स ऐसे हैं कि जहां 5 या 6 घंटे के बाद नर्स आती है। अब आप चाहे जो भी हॉस्पिटल में एडमिटेड हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको हर 2.5 घंटे पे बेबी को फीड करवाना है। ये 2.5 घंटे पे फीड करवाना इज नॉट इजी, बहुत ज्यादा टायरिंग होता है, पर ये मैंने भी फॉलो किया है। फर्स्ट 2 डेज के लिए हर 2.5 घंटे पे फीडिंग करवाना है। इसके 2 इम्पोर्टेंट रीजंस है। सबसे पहला, न्यू बॉर्न जॉन्डिस या नवजात शिशु का पीलिया। अब जॉन्डिस होने के बहुत कारण है, पर उसमें से एक कारण ये है कि बेबी को पहले कुछ दिनों में भर पेट दूध नहीं मिला है और इसी वजह से बेबी के बॉडी में जॉन्डिस हो गया है। अब दूसरा रीजन ये क्यों करना है, क्योंकि अगर बेबी हर 2.5 घंटे पे ब्रेस्ट फीडिंग करेगा तो ब्रेन में कॉन्स्टेंट मैसेज जाता रहेगा कि बॉडी में मिल्क प्रोडक्शन की जरूरत है, तो इन द कमिंग डेज आपका जो ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा हो जाता है। नाउ लेट्स कम टू द 5th पॉइंट। इंडिया में एक बहुत पुरानी प्रथा है जो आज भी कई लोग फॉलो करते हैं कि जब बेबी बॉर्न होता है तो बेबी को शहद का एक ड्रॉप दिया जाता है जस्ट शगुन के तौर पे। गुजराती में उसे गड़थूती कहते हैं एंड इट इज कंसिडर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, ये करने की परमिशन आपका पीडियाट्रिशियन, तो क्या दुनिया के कोई भी पीडियाट्रिशियन आपको नहीं देंगे। और ऐसा क्यों? क्योंकि हनी में क्लॉस्ट्रिडियम बॉट्यूलिनाई करके एक बैक्टीरिया होता है जिससे बॉट्यूलिज्म करके एक भयानक बीमारी हो सकती है जिससे बेबी को परमानेंट पैरालिसिस हो सकता है। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा रेयर है, इसलिए मैंने या आपने नहीं सुना होगा या देखा होगा, पर पीडियाट्रिशियंस ने देखा है और इसीलिए वो आपको साफ मना कर देते हैं। एंड नॉट ओनली शहद, वो गुड़ का पानी हो या फिर प्लेन वाटर हो, बाहर का बेबी को कुछ भी नहीं देना है। लोग काफी बार ये आर्ग्यू करते हैं कि एक ड्रॉप से क्या हो जाएगा, पर 1 ड्रॉप इज इनफ टू कॉज इन्फेक्शन और बॉट्यूलिज्म टू योर चाइल्ड, तो ये बिल्कुल भी आप अलाउ मत करना। नाउ द लास्ट पॉइंट, अभी आप 9 मंथ्स प्रेग्नेंट है तो आप ब्रेस्ट मिल्क बेनिफिट्स के बारे में पढ़िए। मैंने खुद ने भी एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देखिए, और एक गोल बना दीजिए कि मुझे 6 मंथ्स तक बेबी को बाहर का कोई भी दूध ना देकर सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क ही देना है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क के इमेंस बेनिफिट्स होते हैं, आप सोच सकते हैं उससे भी कहीं ज्यादा, और कोई बेनिफिट्स तो ऐसे है जो बेबी को लाइफ लॉन्ग काम आते हैं।
और कई मदर्स के लिए बहुत इजी होता है ये 6 months एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाना, और कई मदर्स के लिए जैसे कि मैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है ये एस्टेब्लिश करना। अब क्योंकि मुझे इसके बेनिफिट्स के बारे में पता था तो मेरे अंदर एक जिद थी कि नहीं, मुझे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड ही करवाना है, बाहर का कोई भी दूध नहीं देना है। तो मैंने अपना ये गोल अचीव किया क्योंकि मुझे बेनिफिट्स पता थे। तो आप भी ये बेनिफिट्स के बारे में जानिए। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो जितने भी 9 month प्रेग्नेंट पेरेंट्स हैं उनके साथ ये जरूर शेयर कीजिए। मेरा नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो है अबाउट पेरेंटिंग इन द फर्स्ट 1 week, वो भी एक बार जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड डोंट फर्गेट टू हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम पेरेंटेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।